हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एग्जाम व्यू में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री यानी साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझेंगे और हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को जो है बारीकी से जानेंगे। तो सबसे पहले जो है आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और बिल्कुल डिटेल से हम पढ़ेंगे। आइए तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो यह वीडियो है मैं आपको बता दूं कि यह बाइलिंगुअल जो है होने वाली है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूं। जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर, कि सबसे लेटेस्ट जो है डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है। ठीक है, तो हमें पता है, हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी है, तीन स्टेट पढ़ी है हमने। पहली पढ़ी है लिक्विड, सॉलिड और गैसियस, यानी सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट हमने पढ़ी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैटर की जो है पांच स्टेट होती है। अब तक जो जितनी स्टेट डिस्कवर की गई है, कितनी की गई है, पांच स्टेट डिस्कवर की गई है। और मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस और मास, ऐसी कोई भी वस्तु, सभी वस्तु को जो है मैटर कहते हैं जो स्पेस और मास जो है ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, तो देखिए हमसे पूछा गया है कि लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर, तो वो है बीईसी। बीईसी की फुल फॉर्म क्या है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसिएशन स्टेट। फिर से दोहराता हूं, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसिएशन स्टेट। और जो फोर्थ मैटर की स्टेट है वो होती है प्लाज्मा। सॉलिड का आपको पता है सॉलिड क्या होता है, लिक्विड का आपको पता है लिक्विड क्या होता है, गैसियस का भी आपको पता है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। जो चौथी स्टेट है वो है प्लाज्मा स्टेट, जो ऑप्शन सी है। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट कैसे होती है, जो हमारा सूर्य है, ठीक है, सन को जो है प्लाज्मा स्टेट सन कहलाती है मैटर की। जो हमारे तारे हैं, स्टार्स हैं, जो हमें रात को दिखाई देते हैं, वे सभी जो है प्लाज्मा स्टेट है। और जो लेटेस्ट स्टेट है वो है बीईसी, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसिएशन स्टेट। तो आई होप क्वेश्चन फर्स्ट जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हर एक ऑप्शन का आपको पता चल गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आयोडीन इज सेपरेटेड फ्रॉम सैंड बाय, जो आयोडीन होता है उसे सेपरेट किया जाता है सैंड होता है रेत से, किस विधि के द्वारा। ऑप्शन ए है सब्लिमेशन, ऑप्शन बी है क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी है क्रिस्टलाइजेशन एंड ऑप्शन डी है इवेपोरेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सब्लिमेशन। अब ये सब्लिमेशन होता क्या है, सब्लिमेशन होता है कि कोई सॉलिड चीज है जब हम उसे हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, उस विधि को क्या है सब्लिमेशन कहते हैं। तो आयोडीन जो होता है, जब आयोडीन और सैंड को हम गर्म करेंगे तो आयोडीन सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्ट हवा में उड़ जाएगा। उसके बाद आती है हमारी क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का क्या मतलब होता है, क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है किन्हीं दो सोल्यूशन को अलग करने के लिए। इसके मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, वे भी एग्जाम में आ सकते हैं, इन्हें जो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जब हमें किसी ड्रग को हमारे ब्लड से अलग करना होता है, ड्रग्स को जब ब्लड से अलग करना होता है तो क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। कलर ऑफ डाई, डाई के डिफरेंट कलर को जब अलग किया जाता है तो क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। अब सी आती है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि जो लिक्विड है उससे उसके क्रिस्टल बनाना, वो क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं। एंड इवेपोरेशन, फोर्थ ऑप्शन है, इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन का मतलब होता है गैस बनना। जब कोई लिक्विड को हम हीट करते हैं तो वो गैस में बन जाता है, उसे क्या कहलाते हैं, इवेपोरेशन कहलाते हैं। तो आई होप ये सभी ऑप्शन जो आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड आयोडीन इज सेपरेटेड फ्रॉम सैंड बाय सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन क्या होता है, जब कोई सॉलिड जो है लिक्विड में बिना कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, आयोडीन हो गया। इसका एक और एग्जांपल देता हूं आपको, नेफ्थलीन। ध्यान रखिएगा, नेफ्थलीन भी एग्जाम में आ सकता है। नेफ्थलीन भी जो एक ऐसा सब्सटेंस है जो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेफ्थलीन हो गया। कैम्फर, कैम्फर भी याद रखिए, तीन है, आयोडीन, कैम्फर और नेफ्थलीन, ये एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं। ये सभी सब्लिमेशन के द्वारा ही सेपरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, वन ऑफ द टेक्निक यूज्ड फॉर डिजलाइनेशन ऑफ सी वाटर इज। अपने फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन भी आपको पता है क्या होता है, इवेपोरेशन भी आपको पता है, कंडेंसेशन मैं आपको बताता हूं। कंडेंसेशन होता है जब गैस से जो कोई वाष्प होता है उसे पानी बनाना, ठीक है, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। और ऑप्शन बी बस था, डिस्टिलेशन जो है इसका हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड, माफ कीजिएगा, कन्वर्सेशन ऑफ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड, जब कन्वर्ट होता है लिक्विड से गैस उसे क्या कहलाते हैं, इवेपोरेशन। जी हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मेल्टिंग हमें पता है, कंडेंसेशन हमें पता है, डिपोजिशन। अब यहाँ पर नया ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी आर, डिपोजिशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। सब्लिमेशन क्या होता है, जब कोई सॉलिड
डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसे कहते हैं सब्लिमेशन। और इसका उल्टा, जब कोई गैस बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो वो कहलाता है डिपोजिशन। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए आपका आंसर जो है ठीक होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि लिक्विड से गैस बनती है वो क्या होती है, इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, हम सभी को पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यहां पर पूछा है फारेनहाइट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 212 डिग्री फारेनहाइट किसके बराबर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस का। लेकिन एग्जाम में केल्विन में भी पूछा जा सकता है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 373.15 डिग्री केल्विन। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 373 केल्विन और 212 डिग्री फारेनहाइट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को भी जरूर लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलपीजी, सबसे पहले तो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इज क्या है ये एलपीजी, मिक्सचर है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, या नन ऑफ द अबव है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है। मैं आपको बता दूं, एलिमेंट, एलिमेंट एक ही तरह का सब्सटेंस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन, ये इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो हो गया हाइड्रोजन। सल्फर, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है, एलिमेंट है। कंपाउंड क्या होता है, जब दो से दो अधिक एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो वो कहलाता है कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल H2O क्या है, फॉर एग्जाम्पल H2O। देखिए इसमें डबल हाइड्रोजन है और मोनोऑक्साइड है, दो एलिमेंट है, जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो वो बनता है कंपाउंड। और मिक्सचर क्या होता है, जब दो से अधिक कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो वो कहलाता है मिक्सचर। तो एलपीजी जो क्या है, यह है एक मिक्सचर। ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, हमें ये स्टेटमेंट पढ़नी है और करेक्ट स्टेटमेंट चुननी है, ठीक है। ऑप्शन ए, ब्रास इज ए सॉलिड सॉल्यूशन। ऑप्शन बी, सैंड एंड वाटर इज ए सॉल्यूशन। ऑप्शन थ्री, साल्ट एंड सैंड इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। एंड ऑप्शन डी, एयर इज ए मिक्सचर, ठीक है। तो इसमें जो आपको देखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ब्रास इज सॉलिड सॉल्यूशन, जी हाँ ये बिल्कुल ठीक है। सैंड एंड वाटर इज ए सॉल्यूशन, क्या सैंड और वाटर सॉल्यूशन है, जी नहीं। सॉल्यूशन क्या होता है, जब इन्हीं दो चीजों को आपस में मिक्स किया जाता है वो पूरी तरह घुल जाए तब वो सॉल्यूशन कहलाता है। अब जब हम सैंड को, सैंड होता है रेत, जब रेत को हम वाटर में घोलेंगे तो क्या वो घुल जाएगा, जी नहीं, वो दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। इसलिए ऑप्शन बी जो है ये हमारा इनकोरेक्ट, ये स्टेटमेंट कोरेक्ट नहीं है। साल्ट एंड सैंड इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, क्या साल्ट और सैंड होमोजीनियस मिक्सचर है। अब यहां पर नई टर्म आई, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। होमोजीनियस मिक्सचर यानी जैसे पानी में मैंने नमक घोला, जब मैं पानी में नमक घोलूं और उसको ऐसे घुमाऊं तो नमक उसमें घुल जाएगा, यानी नमक हमें अलग नहीं दिखाई देगा। इस तरह के मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, ठीक है। अब साल्ट एंड सैंड, जब साल्ट यानी नमक को मैं सैंड के अंदर घोलूं तो वे दोनों हमें अलग अलग ही दिखाई देंगे, वो आपस में नहीं घुलेंगे। तो ये मिक्सचर जो है होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनकोरेक्ट है। नेक्स्ट इज, एयर इज ए मिक्सचर। यस, एयर मिक्सचर है, एयर में बहुत सारी चीजें हैं, सारी गैसेस पाई जाती हैं, तो क्या है, एयर मिक्सचर है। तो ये स्टेटमेंट भी कोरेक्ट है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी कोरेक्ट है, ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे एक क्वेश्चन से, एक एमसीक्यू से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस तरीके से पढ़ के आपको बहुत ज्यादा फायदा है। आई होप आप इसके नोट्स जो है बना रहे हैं, अगर नहीं बना रहे तो कॉपी पेन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो है आपको दे रहा हूं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फोम, कलर्ड जैम स्टोन्स एंड रबर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH twice, इसका भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MgOH twice का यूज कहां पर किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कई बार हमें पेट में दर्द होती है ड्यू टू एसिडिटी, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का वहां पर यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में सेपरेटली पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। फोम भी सॉलिड सोल्यूशन नहीं है, रबड़ भी सॉलिड सोल्यूशन नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारे पास बचता है, कलर्ड जैम स्टोन। जो कलर जैम स्टोन होते हैं वो है एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल को मैग्नीशिया से पूछा गया है, इज अ सस्पेंशन ऑफ, ये जो मिल को मैग्नीशिया है MgOH2, अभी मैंने आपको यहां पर बताया ये सस्पेंशन है किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। जी हाँ, अभी देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया MgOH2, OH होता है हाइड्रोक्साइड। सो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है, किसका सस्पेंशन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपसे डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाए मैग्नीशियम मिल को मैग्नीशिया का, तो क्या होगा, MgOH2 होगा, ठीक है। और किस चीज के लिए इसका यूज किया जाता है, एसिडिटी को खत्म करने के लिए, वहां अगर पेट में ड्यू टू एसिडिटी हमें दर्द होती है तो उसके रिलीफ के लिए मिल को मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सब्सटेंस विच रेडली फॉर्म्स कोलाइडल सोल्यूशन इन कॉन्टेक्ट विद वाटर इज कॉल्ड, कौन सा सब्सटेंस है वो कोलाइडल सोल्यूशन बताता है इन कॉन्टेक्ट, जब वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है, एक्सट्रिंसिक कोलाइडल, एसोसिएटेड कोलाइडल, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हाइड्रोफिलिक कोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड, क्लाउड यानी बादल, इज अ कोलाइडल डिस्पर्सन ऑफ, ये जो क्लाउड बनते हैं ये किसका कोलाइडल डिस्पर्सन है, एयर इन ए डिस्पर्सन मीडियम ऑफ वाटर, फॉग इन डिस्पर्सन मीडियम ऑफ वाटर, मिस्ट इन डिस्पर्सन मीडियम ऑफ एयर, एंड वाटर ड्रॉप इन डिस्पर्सन मीडियम ऑफ एयर। बादल क्या होते हैं, सिंपल आपको समझना है, देखिए वो वाटर ड्रॉप्स होती हैं किसमें, डिस्पर्सन मीडियम ऑफ एयर में। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है, वाटर ड्रॉप होती हैं किसमें, डिस्पर्सन मीडियम ऑफ एयर में, कौन सी, बादल यानी क्लाउड। तो ऑप्शन डी यहां से साफ पता चल रहा है हमारा राइट आंसर है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस क्या होता है, ऐसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपने पढ़ा होगा, तो न्यूक्लियंस क्या होते हैं, वे सभी एलिमेंट जो सेंटर में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों तरफ रिवॉल्व करता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस करता है। तो यहां पर पूछा गया है नॉट अ न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियन कौन सा हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियन नहीं हुआ हमारे पास। यहां से और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, डिस्कवरी किसने की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। तो ये चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, प्रोटॉन ई रुदरफोर्ड, लिख लीजिए, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई रुदरफोर्ड ने, और इलेक्ट्रॉन की सर जे जे थॉमसन ने, किसने की है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, सर जे जे थॉमसन ने। उसके बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने, आई होप आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जेम्स चैडविक ने। और उसके बाद आता है पॉजिट्रॉन, कार्ल एंडरसन ने, किसने, कार्ल एंडरसन ने। आई होप आपने ये सभी क्वेश्चन जो है नोट डाउन कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट पार्टिकल मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन सा पार्टिकल घूमता है, वो घूमता है इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इट्स एटॉमिक मास इज 12, हाउ मैनी प्रोटोन आर देयर इन न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। हमसे पूछा गया जो एटॉमिक नंबर होता है, एक चीज याद रखिएगा, जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे उसके न्यूक्लियस में, तो एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6, तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे, 6। सो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। और एक चीज याद रखिएगा, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, जो मास नंबर होता है न्यूक्लियस का, ऑप्शन ए ऑलवेज लेस देन इट्स एटॉमिक नंबर, ऑलवेज मोर देन इट्स एटॉमिक नंबर, ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और समटाइम मोर एंड समटाइम इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। तो याद रखिएगा, जो मास नंबर होता है कभी वो ज्यादा होता है और कभी वो कम होता है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है, समटाइम मोर एंड समटाइम इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, तो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज टू अब्सॉर्ब न्यूट्रॉन्स टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन। दो चीज आपको बताऊंगा, एक न्यूक्लियर फ्यूजन, एक न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है टूटना, जब एक से दो बनते हैं, मान लीजिए ये एक है, इससे दो बने, ये कहलाया फ्यूजन। और फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन होता है F U
SiON, फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन जब कोई दो होते हैं वो आपस में जुड़ के कोई नई चीज बनाते हैं और यहां से एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो कहा कहा गया है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन ए बोरॉन जो है इसे कंट्रोल करता है, ठीक है। अब यहां से आपको दो चीजें बताता हूं न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन से। जो एटॉमिक बॉम्ब होता है, एटॉमिक बॉम्ब वो काम करता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे, यानी कोई एक चीज है वो टूटती है दो में। और जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो काम करता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे, यानी दो चीजें आपस में जुड़ती हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नंबर एक, हाइड्रोजन जो माफ कीजिएगा जो एटम बॉम्ब होता है वो काम करता है न्यूक्लियर फिजन पे, और हाइड्रोजन बॉम्ब काम करता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम इवेंचुअली डीके इंटू स्टेबल आइसोटोप ऑफ, जो यूरेनियम होता है वो डीके करता है किस स्टेबल आइसोटोप में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेड। ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्यूक्लियर रिएक्टर ग्रेफाइट इज यूज्ड एज, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ग्रेफाइट यूज किया जाता है एज ए मॉडरेटर। जी हाँ, एज ए मॉडरेटर ग्रेफाइट जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें से हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा एलिमेंट जो है नहीं बताता है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको पता होने चाहिए। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी फ्लोरोन, ये तीनों जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे पास बच गया, क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है? सीएल, ठीक है। तो क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। व्हाट आर आइसोबार? आइसोबार क्या होते हैं? ठीक है, आइसोबार आपको एक पता होना चाहिए, आइसोटोप्स आपको पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको बताता हूं आइसोटोप्स क्या होते हैं। ऐसा एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है, जो ऑप्शन ए है, ये कहलाते हैं आइसोटोप। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको इसका पता होना चाहिए आइसोटोप्स का, ठीक है। जो जो एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। टोप से याद रखना अपने, टोप्स आइसोटोप्स, यानी एटॉमिक नंबर सेम होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है। अब इसका उल्टा, एलिमेंट विच हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, वो कहलाता है आइसोबार। सो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। आइसोबार क्या हुए? जिनका एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट होता है और मास नंबर सेम होता है। इसमें आप एक चीज याद रखिएगा, या तो आइसोबार याद करिए या आइसोटोप्स याद करिए। मैं आपको सुजेस्ट करूंगा आइसोटोप्स याद करिए। टोप्स से आप सीधा रखेंगे कि टोप्स एटॉमिक नंबर सेम हो गया, टी याद रखना है। आइसोटोप से एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, वो हो गया आइसोटोप। आइसोबार इसका उल्टा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम हो गया। एक तीसरा भी इसमें एलिमेंट होता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स के एग्जाम्पल कई बार आपसे पूछ दिए जाते हैं, जिनके न्यूट्रॉन आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। कोई एलिमेंट आपके पास दे दिया गया होगा जिनके न्यूट्रॉन आपस में बराबर होते हैं, वो कहलाते हैं आइसोटोन्स। क्वेश्चन इसके ऊपर हम करेंगे। आई होप जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, जितना भी मैंने आपको जानकारी दी, वो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर हाँ वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलेगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।